वर्ल्ड कप 2023 के लिए अब 10 टीमें सबकी सब पूरी हो चुकी हैं। इन 10 टीमों में टॉप 8 टीम अपनी रैंकिंग के अनुसार सीधी क्वालिफाई कर ली और 2 टीमें श्रीलंका और नीदरलैंड क्वालिफिकेशन का मैच खेल की अब वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिए हैं। 2023 में अक्टूबर में वनडे वर्ल्ड कप होगा और ये वर्ल्ड कप भारत में खेले जाओगे, तो ये वर्ल्ड कप में पहले ही 8 टीम क्वालिफाई कर ली। ये 8 टीम इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीम आई, और इन 8 टीमों के अलावा 2 टीम अब क्वालिफिकेशन का मैच खेल के भी इन टीमों में सम्मिलित हो गई, और अब कुल 10 टीमों के बीच में वर्ल्ड कप का मैच खेला जाऊंगा। और वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच की बात करा तो वे मैच मुंबई और कोलकाता में खेले जाऊंगा, लेकिन यदि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल को मुकाबला खेलेगी तो भी का मैच सिर्फ और सिर्फ कोलकाता में खेले जाओगे। वर्ल्ड कप के अलावा बात करा एशिया सीरीज के बारे में तो एशिया सीरीज का 2 टेस्ट होगा और ये दोनों टेस्ट ही ऑस्ट्रेलिया आपके नाम कर रखेगी, और तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन तक ऑस्ट्रेलिया की टीम तीसरे टेस्ट में भी आगे चल रही है। ऑस्ट्रेलिया की टीम आपकी पहली पारी में 263 रन बनाया और इंग्लैंड का मार्क वुड ने 5 विकेट आपका नाम कराया, लेकिन इंग्लैंड की टीम भी आपकी पारी में कुछ ज्यादा कुनू कर पाई और 237 रन बना सकी, और ऑस्ट्रेलिया का पेट कमिंग्स ने 6 विकेट आपका नाम कराया, लेकिन तीसरे दिन जब ऑस्ट्रेलिया की टीम खेल पा उतरी तो ऑस्ट्रेलिया की टीम 224 रन पर ढेर होगी, और अब इंग्लैंड की टीम ने चौथे दिन जीत के लिए 251 रन की जरूरत है, और इंग्लैंड की टीम अब तक 27 रन पर 0 विकेट है, तो देखना होगा कि चौथे दिन इंग्लैंड की टीम 251 रन बना सका है या नहीं बना सका है, लेकिन 251 रन को चेज बहुत ही मुश्किल लग रहा है क्योंकि अब तक मैच के 3 पारे के अंदर इतना रन नहीं बन सके। अगर इंग्लैंड की टीम यू मैच आरसी तो यह सीरीज भी अपने हाथ से गवा देसी। ऐसी सीरीज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बहुत ही प्रसिद्ध सीरीज है, यह सीरीज एक वर्ल्ड कप की तरह इन दोनों देशों के बीच में खेल जाए करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो चोखा लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर करियो और चैनल ने भी सब्सक्राइब करियो। जखो मारो अगलो वीडियो जब भी आवे तो थाकन जल्दी से पूछ जावे।